Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अल्लाह के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे. अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे. आज का किस्सा बहुत मुख्तसर है, छोटा सा किस्सा है पर बड़ा सबक आमोज है कि एक बूढ़ी खातून ने रेडियो स्टेशन फ़ोन किया कि वो कई दिनों से भूखी है और कई दिनों से सिर्फ सूखी रोटी और पानी पर गुजारा कर रही है और कहा कि अल्लाह की राह में उसे कुछ खाने के लिए दिया जाए. एक मुनकर खुदा यानी खुदा का इनकार करने वाला शख्स वहीं पर बैठा हुआ था और उसकी गुफ्तगू सुन रहा था. उसको एक मजाक की आदत सूझी. उसने खाने पीने की चीज़ें खरीदी और उस औरत का एड्रेस मालूम करने के बाद नौकर को बोला कि ये सामान उस औरत को दे आओ. जब वो पूछे कि ये किसके तरफ से है तो उसे कहना कि ये शैतान की तरफ से तोहफा है. वो नौकर सारा सामान लेकर उस बूढ़ी औरत के यहाँ पहुँचा. वो बूढ़ी औरत इतने ज़्यादा खाने का सामान देखकर बहुत खुश हुई और जल्दी से सामान को अपने घर के कोने में रखने लगी. उसी दरमियान उस नौकर ने कहा, अम्मा जान, क्या आप ये मालूम नहीं करना चाहेंगी कि ये किसके तरफ से आया है? ये सुनकर वो बोली, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि ये किसके तरफ से आया है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि जब मेरे रब का हुक्म होता है तो शैतान भी उसकी तामील करने पर मजबूर हो जाता है और शैतान भी उस हुक्म को पूरा करता है. वो नौकर ये जवाब सुनकर मायूस होकर चला गया. इस वाक़े से, इस किस्से से हमें एक सबक मिला कि किसी का भी ये अकीदा और ईमान नहीं रहना चाहिए कि इस कायनात का कोई रब नहीं है, कोई मालिक नहीं है. चांद सूरज का निकलना, सितारे सैयारों का चमकना, दिन रात की तब्दीलियां, हवा की रफ्तार में कमी बेशी होना और बादलों का गरजना चमकना, ये तमाम चीज़ें इस बात के ऊपर दलालत करती है और ये प्रूफ देती है कि इस कायनात का कोई रब है, कोई मालिक है. इब्तिदा कौन है, इंतहा है कौन, नूर बनकर जहां में छुपा है कौन, जो समंदर में गौहर को पैदा करे, ऐसा मेरे खुदा के सिवा है कौन, यूँ चमन में गुलों को खिलाता है कौन, रंग बू उनमें फिर डालता है कौन. चांद सूरज निकलते हैं सब वक्त पर, चांद सूरज निकलते हैं सब वक्त पर, कीड़े को पत्थर में भी पालता है कौन, उसके जैसा जहां में कहां है कोई, उसके जैसा जहां में कहां है कोई, पूरी दुनिया में उससे बड़ा है कौन. हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि इस कायनात का एक रब है जिसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.